उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब उम्मीदवार कुछ इस तरह घर घर जाकर मतदाताओं से अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। अलीगढ़ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जफर आलम अपने कामकाज के बलबूते दोबारा विधानसभा पहुंचना चाहते हैं। ये नोटबंदी जो हुई है, उस नोटबंदी के चक्कर में ये जो कैशलेस की बात है की वजह से इनके उद्योग या तो बंद हो गए या बिल्कुल बंद होने की कगार पे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पूरा इनको पूरी बिजली दे रहे हैं। गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार संजीव राजा। संजीव एसपी और कांग्रेस के गठबंधन पर न सिर्फ हमला करते हैं बल्कि नोटबंदी को देश के लिए एक बड़ा फैसला बताते हैं। जिस गठबंधन को पिता ने स्वीकार नहीं किया हो उसे जनता कैसे स्वीकार कर लेगी। नोटबंदी का अलीगढ़ शहर पर कोई असर नहीं है, देश भर में कहीं कोई असर नहीं है, किसी प्रकार की कोई असुविधा जनता को नहीं हुई है। अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 96,000 मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं जबकि करीब 40,000 जाटो वोटों को बीएसपी का वोट बैंक माना जाता है। तालीम और तालों के शहर अलीगढ़ में यूं तो मुकाबले में तीनों दल हैं लेकिन सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार जफर आलम और बीजेपी के संजीव राजा के बीच में बताई जा रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़ अलीगढ़।